सबसे कम उम्र में देश के लिए शहीद होने वाले आज़ादी आंदोलन गैर समझौतावादी धारा के महान क्रांतिकारी शहीद खुदीराम बोस के 115वें शहादत दिवस पर छात्र संगठन AIGSO ने कॉलेज में किया पुष्पांजलि कार्यक्रम। आज छात्र संगठन AIGSO की कॉलेज कमेटी के द्वारा आज़ादी आंदोलन के महान क्रांतिकारी शहीद खुदीराम बोस के शहादत दिवस के उपलक्ष्य में आज PG कॉलेज में पुष्पांजलि कार्यक्रम व विचार सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में खुदीराम बोस के जीवन संघर्ष पर बात कॉलेज कार्यकारिणी सदस्य कृष्णा बिजोरे और रोहित अहिरवार ने रखी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से छात्र संगठन AIGSO के कॉलेज इकाई कार्यालय सचिव प्रीति श्रीवास्तव ने अपनी बात रखते हुए कहा कि खुदीराम बोस सिर्फ एक नाम नहीं एक विचार थे और आज ऐसे विचार की ज़रूरत है। आज जिस तरह से छात्र नौजवान क्रांतिकारियों को भूलते जा रहे हैं उसमें हम सभी छात्र नौजवानों को क्रांतिकारी महान मनीषियों को याद करने की ज़रूरत है व उनके चरित्र से सीख लेने की ज़रूरत है, तभी हम समाज को बेहतर बना सकते हैं। आज जब समाज में चारों तरफ शिक्षा रोजगार पर हमले हो रहे हैं, गरीब छात्र लगातार शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं, महिलाओं बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, ऐसे में हमें महान मनीषियों के विचारों में शिक्षा लेकर समाज में व्याप्त समस्याओं के खिलाफ लड़ने के लिए आगे आने की ज़रूरत है। शहीद खुदीराम बोस का जो सपना था एक बेहतर समाज बनाने का, जिसमें जात पात के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, आज ज़रूरत है हम सबको मिलकर शहीद खुदीराम बोस के सपनों का भारत बनाने की। कार्यक्रम का संचालन AIGSO कॉलेज कार्यकारिणी सदस्य आदित्य शर्मा ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएँ उपस्थित रहे। आज कार्यक्रम रखा गया था, क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम? आज छात्र संगठन AIGSO के द्वारा स्थानीय PG कॉलेज गुना में हम लोगों ने आज़ादी आंदोलन के महान चरित्र और सबसे कम उम्र में जो शहीद हुए हैं उनमें गिने जाने वाले शहीद खुदीराम बोस का शहादत दिवस मनाया। हम लोग छात्र संगठन AIGSO के माध्यम से छात्रों के बीच में शहीद खुदीराम बोस के जो विचार रहे हैं उनको पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। शहीद खुदीराम को एक आदर्श के रूप में स्थापित करने की आज कोशिश की जा रही है, क्योंकि छात्रों के जीवन में कोई आदर्श नहीं है, इसीलिए हम लोग समाज की स्थिति देख रहे हैं। छोटी बच्ची से लेकर बूढ़ी महिला तक आज सुरक्षित नहीं, उनके साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है, इसलिए आदर्श में शहीद मनीषों को रखने की ज़रूरत है। इसीलिए छात्र संगठन AIGSO उनके विचारों की चर्चा, उनके विचार गोष्ठी अलग अलग जगह आयोजित कर रहा है, क्योंकि एक महान आदर्श ही महान इंसान तय बना सकता है। जैसा खुदीराम बोस की प्रेरणा स्रोत, खुदीराम बोस हमारे आज प्रेरणा स्रोत है, उनके जीवन को जब पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि उनने किस ढंग से बहुत छोटी उम्र में उस समय की स्थिति को देख करके अन्याय के विरोध में अपना पूरा का पूरा जीवन लगा दिया। इसीलिए हम समझते हैं कि इंसान होने का सबसे बड़ा सबूत यही है कि सही और गलत तय करके अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने का नाम ही है खुदीराम। इसीलिए इनके विचारों को हम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम शुभम है, मैं PG कॉलेज का ही।